हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूँ कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि आप लोग सब लोग कमेंट करना कि हम लोग 100 में 100 फोड़ेंगे, और आप लोगों ने वैसे ही किया। देख कर बड़ी खुशी होती है कि यार बहुत बच्चे, मतलब हजारों में बच्चे अब कनेक्ट हो चुके हैं, और मतलब बहुत, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहे हो यार। ऐसे ही करते रहे तो 101% मैं श्योर हूँ आपको 100 में 100 दिलवा के मानूंगा, और हर वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओ और कोई ऐसी चीज़ ना बचे जिससे आप कहो कि यार सर इस वजह से मैं 100 में 100 नहीं फोड़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी रिक्वेस्ट थी भी कमेंट सेक्शन में कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी टिक करवा दीजिए, इसका मतलब है रियल नंबर और पॉलिनोमियल का मैंने टिक करवा दिया है। अच्छा, साथ के साथ मैं आपको एक बता दूँ कि आपका, हमारा जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है, ठीक है, इसमें अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आप देखोगे मैंने 1 शॉट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है, हालांकि मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा दिए, साथ के साथ फॉर्मूला बुकलेट जो जो रेडी होती जा रही है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और मार्क्स बूस्टर की जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे मार्क्स बूस्टर क्या है? मार्क्स बूस्टर अपनी एक परफेक्ट असाइनमेंट है जिसमें मैं टिक करवा रहा हूँ इस टाइम कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सेम चीज एग्जाम्पलर में भी आप देखोगे यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस, यानी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, वो यहाँ से आपको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे। और आज हम करने वाले हैं बात किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से कम इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो या ना करो, मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर चीज आपको डाउट में है, उस वजह से आप अपनी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, 100 में 100 नहीं फोड़ पाओगे, तो वो सारी चीज़ आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पे सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है, इसकी पीडीएफ, अगर आपके पास इसकी बुक नहीं है तो। अब चलो टिक करना शुरू करते हैं। शुरुआत में थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी है आपकी। अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप ये चीज समझो कि ये जो क्वेश्चन है पेयर ऑफ इक्वेशन दिस दिस वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्यूशन है, एक है, इनफाइनाइट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम तो ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज आ गई है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो ये टिक कर लीजिए, ये टिक कर लो, पेयर ऑफ कंसिस्टेंट ये इम्पोर्टेंट कर लो इसको, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, पेयर ऑफ इक्वेशन दिस दिस इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। टिक का मतलब है आपको करना तो है ही, लेकिन फिर भी होता है ना इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन टिक तो आपको करनी है। के की रो निकालनी है, रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वाला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग से कई बार रहता है बच्चों के लिए, तो इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ जिससे कि आप ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 9 10 आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, 10 अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 कर लीजिए, 12 कर लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम तो आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम करनी है, इसलिए करनी है, वर्ड प्रॉब्लम सीख लोगे तो कल के दिन जब आपको टर्म टू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखें, जहां भी मिले करना है। पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन करना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हो, चेक करने वाले हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक ठीक है, ऐसी सेकंड भी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, थर्ड भी छोड़ दीजिए, इस टाइप की हमने प्रैक्टिस कर ली है इसलिए, ठीक है। आगे आगे आ जाते हैं, अब आगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में अगर लिखा है डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन, तुम्हें ये बताना है किस में नो सॉल्यूशन है, तो यार तुमने ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में टिक करवा दिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन भी पूरा छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सिमिलर आप थर्ड क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। फॉर द फॉलोइंग पेयर फोर्थ क्वेश्चन, सिमिलर यहाँ पे भी फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ कर लें, ठीक है, और सिक्स्थ कर लें, ठीक है। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1
जो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है, इस पे आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है, तो ये जरूर करें, इसको स्किप ना करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है सॉल्व वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक होती ना कि अगर एक्स का कोफिशियंट और यहाँ पे वाई का कोफिशियंट, यानी कि मैं ये कहूँ उल्टा है, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे और इस वाई का कोफिशियंट यहाँ पे, अगर उल्टा लिखा होता है तो इस क्वेश्चन को करने का एक सेट मेथड होता है। अगर आपने वो सेट मेथड यूज नहीं करा तो नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। मतलब अगर आप ये करने बैठोगे ना तब तो आप 5 से 10 मिनट ले जाओगे। अगर आपको इसका करेक्ट मेथड नहीं आता है तो इसमें 5 से 10 मिनट ले जाओगे आप करने में और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना, इसको करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको इन दो इक्वेशन को क्या करना होता है, ऐड करना होता है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना होता है। एक बार ऐड करना होता है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना होता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर ये मेथड सिखा दो, तो भैया मैंने जो अभी वन शॉट वीडियो दिखाया था ना, तो वन शॉट वीडियोज में आप देखोगे तो वहां पे मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, तो आप वहां पे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको समझना है ये वाला, अगर नहीं आता है तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर आप उससे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे ना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, टाइम वेस्ट होगा फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करना है आपको, अल्टरनेटिव मेथड भी दे रखा है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एरिया, एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस पे अगर दे सकते हैं तो केस स्टडी बनाया जा सकता है, तो बस ये टिक कर लो, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, केस स्टडी में देंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये आप क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग, ये वाला क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग सा दिखेगा, तो इसको करना है, ये छोड़ दीजिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ये भी आप छोड़ दें, फोर्थ। आगे और देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, कोइंसिडेंट, क्योंकि हमने एग्जाम्पल काफ़ी कर लिए हैं, ठीक है। फिफ्थ कर लें, सिक्स कर लें, सेवन छोड़ दो, ठीक है, इस टाइप के जरूर कर लें, ठीक है, देखने में बहुत तब से लगता है लेकिन आसानी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखा सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व कर लेते हो, तो इनकी फिर कोई जरूरत नहीं है, तो ये टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो इतने सारे क्वेश्चन दे रखे, सब छोड़ दो, सारे क्रॉस मार देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, 10 कर लो, 11 पूरा छोड़ दो। ग्राफ वाला एक बार देख लेना है, 12th क्वेश्चन, सिमिलर 13th क्वेश्चन, ठीक है, इधर तक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें 14, 15 करना है, ठीक है, 16 देखो वर्ड प्रॉब्लम, अब ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, फिर वर्ड प्रॉब्लम आपको एक भी नहीं छोड़नी, 16, 17, 18, 19, मैंने कहा ना इसमें आपको हो सकता है पेपर में उतना ना आए, ठीक है, आप कहोगे सर ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बोल दिया है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आपने ये चीज़ कर ली तो, ठीक है। 22 हो गया, अब आ जाओ लॉन्ग आंसर में, कौन कौन से करने हैं। तो देखो ग्राफिकल आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा डिटरमाइन द एल्जेब्रिकली वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दिस, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको ये नहीं देंगे आपको, ठीक है, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा तो इतना बड़ा नहीं आएगा। अब ये बड़े प्रॉब्लम है, थर्ड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आगे हमारी एक्सरसाइज 3.4 आई है, अगेन एरिया का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत प्रैक्टिस मैंने टिक करवा दिया है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, फिर सीधा फोर्थ करना डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको फिफ्थ दे रखा है एरिया फॉर्म वाला, ये छोड़ दो, सीधा सिक्स कर लेना, ठीक है। मतलब मैं इस हिसाब से टिक करवा रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल टिक करवा दिया तो फिर एक्सरसाइज में क्यों करोगे वो क्वेश्चन, अगर वो लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर आपको ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, सारे करोगे, सारे करने, ठीक है। अब जिन्होंने मार्क्स बूस्टर कर लिया होगा तो ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे, 11, 12, 13। आपको लग रहा होगा कि सर इतने सारे क्वेश्चंस, तो यार आपने अगर वहां पे मार्क्स बूस्टर कर लिए तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप देख लेना, अगर सेम लगे तो आप स्किप कर देना, ठीक है, बस इतना ही है, लास्ट क्वेश्चन यही है 13 तक आपको ये सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। आई होप आपको ये भी एक एनालिसिस बहुत अच्छी लगी होगी, हमेशा की तरह वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको अब इस तरीके की एनालिसिस किस चैप्टर की चाहिए सबसे पहले, मतलब फिर मैं उसी पे काम पहले करूंगा, किस चैप्टर को आपको
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।